गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स का मामला है। पीएचए का होर्डिंग्स और बिलबोर्ड उतारने का बड़ा फैसला सामने आया है। चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी और डीजी पीएचए डॉक्टर फैसल जहूर की बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, शेख जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा। मुनीर, इस वक्त जो पीएचए के पार्क्स हैं और जो मरकजी शहराएं हैं वहां पर होर्डिंग्स और बिल बोर्ड गैर कानूनी तौर पर लगे हुए हैं, जिससे पीएचए को कोई आमदनी भी हासिल नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में अब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है कि इन होर्डिंग्स और बिल बोर्ड को उतार दिया जाए। इस सिलसिले में चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी और डीजी पीएचए डॉक्टर फैसल जहूर की बाहमी मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में लाहौर शहर के तमाम बड़े और छोटे गैर कानूनी बैनर, स्टीमर, बिल बोर्ड और होर्डिंग्स उतारे जाएंगे ताकि शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। इस सिलसिले में इन बोर्ड्स को उतारने के लिए महकमा के अफसरान को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर लाहौर शहर को गैर कानूनी बैनर, फ्लैक्स और स्टीमर से पाक कर दिया जाए ताकि जो पुरानी बिल्डिंग्स की खूबसूरती है उसको बहाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जैनुल आबिदीन।